उसी मेहनत उसी जुनून के साथ तैयारी कर रहे हैं जिस दिन आपने पहले दिन सोचा था कि सर मेरे को जेई निकालना है। इसी चीज मैंने शुरुआत में आपसे बोला था कि ये मत होने देना, और कल मुझे रियलाइज हुआ कि ये हो रहा है, और ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बीच बीच में मैं आपके लिए चेक पॉइंट्स क्रिएट करूं कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें। सर आई वेस्टेड 3 months, मेरे को पता है आपने वेस्ट किया है, और अभी आप इसी एटीट्यूड से 5 महीने और आप वेस्ट करेंगे। जब आपकी 11th खराब होगी तब आपकी आंखें खुलेंगी, 12th में जब आप जाएंगे तो आप फिर से जोश भरेंगे कि इस बार मैं 12वीं खराब नहीं होने दूंगा। लेकिन ये 8-9 महीने की जो आपने एटीट्यूड अपने अंदर बना लिया है, नया एटीट्यूड आलस का, वो आपका 12वीं भी खराब करवा देगा। कि क्या आप उसी मेहनत उसी जुनून के साथ तैयारी कर रहे हैं जिस दिन आपने पहले दिन सोचा था कि सर मेरे को जेई निकालना है। जुनून खत्म, जुनून डिफरेंट है ना, डिफरेंट हो गया ना। ये 11वीं की स्टार्टिंग में तो नहीं था, और मैंने क्या बोला था, प्रॉब्लम्स आएंगे और प्रॉब्लम से आपको लड़ना पड़ेगा। आप देखते हैं अच्छा यार ये टॉपिक तो टफ लग रहा है, कलम नीचे। समझने में दिक्कत आ रही है, कलम नीचे। घर पे कुछ फंक्शन है, कलम नीचे। दोस्तों से बात करना है, कलम नीचे। आपकी बार बार एक्सक्यूजेस बोले या रीजंस बोले आपकी तरफ से, आपकी कलम नीचे हो रही है, और जितना आप कलम नीचे करेंगे उतनी ही रैंक आपकी नीचे जाएगी। अब वो आपको डिसाइड करना है। अब आप रोए पीटे, मेरे को पता है पिछले साल भी ऐसे बहुत करते थे, हमें दुख होता था। अब मैं शायद इस दुख के लिए थोड़ा सा हार्ड हो चुका हूं, क्योंकि जो बंदा खुद के लिए ही नहीं करना चाहता तो दुनिया उसको करके नहीं देगी। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। आपको अपने लिए तो कम से कम खड़ा होना पड़ेगा। और जो ये बच्चे यहाँ पर रो पीट रहे हैं ना, उनका रीजन ही यही है क्योंकि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते। आप डिसाइड करके यहाँ पर आए, और मैंने कहा कि अगर आपने डिसीजन बना लिया है तो मेरा ये कर्तव्य है आखिरी तक आपके साथ खड़ा होने का, और मैं उसके लिए रोज मेहनत कर रहा हूं। सॉरी बोलना है, ना ही मेरे को थैंक यू बोलना है। जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना मैं पढ़ा सकता हूं, वो कोऑर्डिनेशन बैठा के आपको